Hey guys, I hope you are all good. So, आज हम लोग देखेंगे पिक्सल स्ट्रेच इफेक्ट फोटोशॉप में कैसे क्रिएट करते हैं और इस इफेक्ट से हम लोग एक सोशल मीडिया के लिए पोस्ट कैसे बना सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग तो हमने यहाँ पे एक बैकग्राउंड पेज क्रिएट किया है 1080 एंड 1080 का, एंड नाउ हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे पहले से ले रखा है। एंड हमारे पास ये रहा इमेज जिसका बैकग्राउंड हमने पहले ही रिमूव कर रखा है। एंड नाउ हमने यहाँ पे इस पे कैमरा रॉ फिल्टर में हमने इसमें कुछ लाइट्स वगैरह को एडजस्ट किया था। तो टेम्परेचर है -14 एंड हाईलाइट्स को मैंने +20 और 21 के अराउंड रखा है। एंड क्लिक हिट ओके। एंड सेकंड थिंग, आप लोग को हमारे लेफ्ट साइड में यहाँ पे कुछ कर्सल दिख रहा होगा, जो भी हम यहाँ पे कीबोर्ड से और माउस से क्लिक करेंगे वो आपको यहाँ पे शो होगा। एंड नाउ हम लोग यहाँ पे ये करते हैं कि एक मार्कर टूल सेलेक्ट करके एक पतला ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं। एंड नाउ क्लिक, नाउ कीबोर्ड से प्रेस कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, प्रेस कंट्रोल डी एंड ऑल्ट और शिफ्ट का बटन ड्रैग करके इसे होल्ड करके ड्रैग करें। नाउ क्लिक हिट ओके। नाउ क्लिक गो टू फिल्टर डिस्टॉर्ट एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, रेक्टेंगल टू पोलर में चेक रहने देना एंड क्लिक हिट ओके। एंड नाउ प्रेस कंट्रोल टी, ऑल्ट और शिफ्ट का बटन होल्ड करके रखो और इसे अपने अराउंड सर्कल कर लो, क्लिक हिट ओके। एंड नाउ इसे इस लेयर को हम लोग नीचे लाते हैं एंड इमेज पे प्रेस कंट्रोल टी करके इसे थोड़ा बड़ा करते हैं ओके। एंड इसे थोड़ा अपने अकॉर्डिंग रिसाइज कर लें। एंड देन इस सर्कल पे मैं हम लोग यहाँ से मास्क क्लिक करते हैं एंड गो टू ब्रश, फिल को ब्लैक ही रहने दें एंड नाउ यहाँ से इसे इरेज कर दें। यहाँ से हमारा पार्ट कुछ डिलीट हो गया है तो इसे रिसाइज कर लेंगे। एंड बोथ दोनों को सिलेक्ट करके प्रेस कंट्रोल टी एंड इसे थोड़ा सा नीचे लाते हैं एंड प्रेस क्लिक हिट ओके। एंड नाउ क्लिक टू टेक्स्ट टूल एंड फॉन्ट का कलर हम लोग यहाँ से मॉर्गेनाइट ले रहे हैं, कलर बैकग्राउंड से ही पिक कर लेते हैं एंड क्लिक हिट ओके। एंड साइज को हम लोग यहाँ पे 30 लेकर के इसे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन कर ले, प्रेस ऑल्ट को ड्रैग करके ऐसे ड्रैग करेंगे एंड इसका फॉन्ट को हम लोग मीडियम लेके चल रहे हैं। प्रेस कंट्रोल टी एंड कंट्रोल का बटन होल्ड करके रखेंगे और इसे माउस से ड्रैग करेंगे एंड हम लोग यहाँ पे इसका फिल को कम करते हैं एंड एफएक्स पे जाएंगे, स्ट्रोक पे जाएंगे एंड इसका साइज स्ट्रोक का साइज मैक्सिमम 3 लेके चलते हैं एंड क्लिक इट ओके। एंड नाउ प्रेस कंट्रोल टी से यहाँ ड्रैग किया एंड इसे हम लोग इमेज के नीचे लेके चलते हैं। ऑल्ट का बटन होल्ड करके रखेंगे एंड इसे ड्रैग करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाता है। एंड नाउ प्रेस कंट्रोल टी एंड इसे अपने अकॉर्डिंग रिसाइज करेंगे। अब एंड नाउ तीनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड इसका ओपेसिटी को डाउन करते हैं। एंड नाउ बैकग्राउंड में हमने एक गूगल से टेक्सचर करके बैकग्राउंड निकाल के रखा था तो इसको हम लोग बैकग्राउंड में इसके डालते हैं। एंड डोंट वरी, इसमें जो भी मैं एलिमेंट यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना।
एंड इसे रिसाइज करके क्लिक प्रेस क्लिक होते ओके एंड इसका ब्लेंडिंग मोड हम लोग यहाँ से चेंज करते हैं, देखते हैं कहाँ पे ये सूट कर सेट करता है। एंड नाउ डिवाइड पे इसे क्लिक इसे डिवाइड पे इसे रहने देते हैं एंड इसे लॉक कर लें। एंड नाउ यहाँ पे एक टैग लाइन हम लोग डालते हैं जो कि मैंने गूगल इसे भी गूगल से ही उठाया है। एंड इसका साइज को मैं थोड़ा छोटा करके इसे ऊपर फिट कर लेता हूँ। एंड नाउ एक रेक्टेंगल टूल लेते हैं, रेक्टेंगल टूल एक शेप क्रिएट करते हैं। एंड प्रेस कंट्रोल टी इसे थोड़ा स्मॉल करेंगे एंड क्लिक हिट ओके। मैं बस एक डिज़ाइन का लुक देने के लिए इसे बस यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ और तीनों को सिलेक्ट करके प्रेस कंट्रोल टी सॉरी ये लेयर हमारा सिलेक्ट है इसे भी हम लोग लॉक कर लेते हैं एंड प्रेस इस तीनों को सिलेक्ट करके इसे थोड़ा स्मॉल कर लें। एंड इसका कलर मैं यहाँ से पिक करता हूँ एंड इसे मैं यहाँ से पिक करता हूँ। पेन टूल पे क्लिक करेंगे, फिल को बंद करेंगे, स्ट्रोक का कलर ब्लैक लेते हैं, साइज मैक्सिमम 2 एंड यहाँ क्लिक करके इसे एक लाइन क्रिएट करेंगे। ये बस डिज़ाइन का एक पार्ट है। फिल को 0 करें, इलिस्ट टूल ले करके इसे मैं थोड़ा सा सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ एंड ना दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से अलाइन कर लें। एंड नाउ इसे थोड़ा सा सटाएंगे एंड इसे ऑल्ट को प्रेस करके इसे कॉपी हो जाता है, इस पर डबल क्लिक करके एंड यहाँ पे इंस्टाग्राम लिखा है। एंड नाउ मैं इसे एक और डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे इंस्टाग्राम का आईडी मैंने यहाँ पे प्रेस किया है। एंड हाँ ये मेरा इंस्टाग्राम का रियल आईडी है। अगर आपने अभी तक मेरा मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। एंड अलाइन करने के लिए हम लोग यहाँ से कीबोर्ड से प्रेस कंट्रोल और करेंगे, रूलर टूल को यहाँ से लेकर हम लोग यहाँ पे एक मार्क डाल करके ये देख सकते हैं कि हमारा ये टेक्स्ट अलाइन है या नहीं है। एंड नाउ क्लिक ओके, प्रेस कंट्रोल और से वापस जाएगा एंड सेमी कॉलन से बस चला जाएगा। एंड देन हम लोग यहाँ पे एक शेप क्रिएट करने वाले हैं तो पेन टूल पे जाएंगे एंड इसका कलर मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ। जस्ट मैंने यहाँ क्लिक किया एंड क्लिक ओके एंड यहाँ पे हमारा जो शेप क्रिएट हुआ इसे हम लोग अपने लेयर के सबसे नीचे लेके जाएंगे, होल्ड करके रखेंगे एंड इसे नीचे लेके आएंगे एंड इसे प्रेस कंट्रोल टी एंड अपने अकॉर्डिंग इसे हम लोग एडजस्ट कर लेंगे ओके। इसके कलर को मैं यहाँ से मैंने क्लिक किया एंड क्लिक हिट ओके, इसे भी लॉक करें एंड नाउ इसे अनलॉक करके दोनों को सिलेक्ट करके इसे अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। एंड नाउ अगेन हम लोग यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, फिल को बंद करेंगे, स्ट्रोक का कलर वाइट एंड नाउ यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसे अगेन लॉक कर दें एंड इसे सिलेक्ट करके इसे लेयर के सबसे नीचे में लेके चलते हैं सॉरी। एंड होल्ड कंट्रोल बटन प्रेस करके बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और इसे हम लोग सेंटर अलाइन कर सकते हैं दिस। ना हमारा ये डिज़ाइन रेडी हो चुका है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।